नारद जी ने भागवत का महत्व दिया मैत्रेय ऋषि को, और उस महत्व में सबसे पहले नारद जी ने महाभारत का एक दृष्टांत सुनाया मैत्रेय ऋषि को। गृहस्थ के परिणाम बताए अच्छे और बुरे, और उस गृहस्थ जीवन में कर्म योगी करते हुए आदमी को भागवत का जीवन में क्या संबंध है और भागवत जीवन में क्यों चाहिए, इन सारे पहलुओं से नारद जी ने जोड़ा। क्योंकि नारद जी ने कल भागवत के 7 दिन के इस प्रवास में भक्ति को प्रसन्न करते हुए, ज्ञान और विवेक को आनंद देते हुए, अपने पिता ब्रह्मा को परम शांति का, समृद्धि का सुख देते हुए ये सीख लिया कि ये भागवत वो ग्रंथ है, वो पुराण है, वो भगत है, वो ज्ञान है, वो तप है, और भगवान श्री हरि का वो विग्रह रूप है, विशाल रूप है, जिसे पाकर सब सुख समृद्धि सहज प्राप्त हो जाती है। आदमी अनुभव से ज्यादा सीखता है, सुनने से कम सीखता है। विश्वास व्यक्ति को अनुभव से आता है। नारद जी को विश्वास नहीं था भागवत पर जीवन में जब अनुभव हुए भागवत के, तो नारद जी को ऐसा विश्वास हो गया कि नारद जी ने दुनिया छोड़ दी और भक्ति का प्रचार करने लगे, भागवत का प्रचार करने लगे, और उसी प्रचार के माध्यम से आज हम भागवत से जुड़े हैं, और उसी कड़ी में हम लोग भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का यहां प्रवचन कर रहे हैं और हम सब श्रवण कर रहे हैं। ये प्रचार है भक्ति का, भागवत का, जीवन का। चतुर्वर्णा नाम चतुर्योगा, चतुर्वेदा, चतुर्मूला, चतुर्बुद्धि, चतुर्भावम, और इसी प्रकार के कई चतुरांगण हैं। भगवान चतुर्भुज हैं, ब्रह्मा जी चतुर्नारायण हैं, चतुर्मुख हैं। तो ये सारी चीजें, जैसे हमने चतुर्वर्ण कहा तो उसमें जो है ब्राह्मण वर्ण की कल मैंने प्रशंसा की थी, आज उसी तरह ग्रस्त वर्ण आश्रम की मैं प्रशंसा कर रहा हूं। आवश्यकता ग्रस्त को है सबसे पहले भक्ति की। आप किसी भी मां को देख लो, छोटे से बच्चे को, चाहे वो मनस्तिक है, उसके घर में सब नास्तिक हैं, पिताजी शराब पीते हैं, पूरे घर में मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं, फिर भी हम छोटे से बच्चे को जब बोलना सिखाते हैं तो हम उसको वही कहते हैं कि राधे राधे बोल, ये बोल, वो बोल, दोनों हाथ हम पकड़ते हैं और हम खुद ही उसके हाथों को बजाते हैं, और हम उसे सिखाते हैं कि ऐसे राधे बोली जाती है, ऐसे कन्हैया राम जी बोला जाता है, ऐसे सीताराम बोला जाता है। छोटे बच्चे को कोई भी पिता गंदा है, चोर है, डकैत है, कोई भी मां खराब है, अच्छी है, पर अपने बच्चे को कोई इस प्रकार की ट्रेनिंग नहीं देता कि मैं जेब कतरा हूं तो ले तू ऐसे कैंची पकड़, ऐसे बस में चढ़, फिर ऐसे जेब काट। चाहे मैं समझ रहा हूं संस्कार बिना सिखाए भी आ जाते हैं, पर इसकी ट्रेनिंग माता पिता नहीं देते। ये स्वभाव से मनुष्य को आता है, जीव को आता है स्वभाव से। जैसा खाते हैं, जैसा रहते हैं, जैसा देखते हैं, वैसे गुण आने लग जाते हैं। कोई भी मां कहती नहीं है ये, बुरी होके भी वो अपनी बच्ची को बुरी नहीं देखना चाहती है, चाहे जितने वो खराब है मां, पर अपनी बच्ची के बारे में उसकी कल्पना केवल यही है कि वो सदाचारी हो, वो महान हो, तपस्वी हो, नाम रोशन करने वाली हो। पर लक्षणम प्रतिगृहताम, कुछ बातें ऐसी हैं जो मौन होती हैं, जो सिखाई नहीं जाती, आ जाती हैं। आहार पित्तम संस्कार मूल भक्षम, जो घर में चलता है वो 80% आता है बच्चों को, बाहर से 20% आता है बस। स्कूल में, कॉलेज में, जहां भी वो जाते हैं वहां से बहुत कम आता है, अच्छाई और बुराई दोनों ज्यादा घर में से पैदा होता है, क्योंकि घर में निरंतर चलता है, वो चलता ही रहता है, वो हमारे खून में आ जाता है, याद रखें। और जब कोई चीज अंदर आ जाती है उसे बाहर निकालना बहुत कठिन हो जाता है। बीमारी को देख लो, जब तक बीमारी दूसरी तरफ है तब तक हम ऐसे, जब बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो फिर हम कितना उपचार करते हैं, कितना संयम करते हैं, क्या क्या छोड़ देते हैं, क्या क्या नहीं छोड़ देते हैं, पर बीमारी निकल नहीं पाती है। फिर विचार, संस्कार, कर्म, यही व्यथा है।
बहुत कठिन है उसे निकालना। एक बार अगर प्रवेश हो गया तो कुछ अच्छा या बुरा, जब अंदर आने के बाद में कुछ निकलता नहीं तो फिर हम बुरा क्यों डालें, जो हानि करे वो उसे क्यों डालें। आज नारद जी के वचन सुनकर के मैत्र ऋषि अपने परिवार के साथ में एक पत्नी को संपत्ति देकर एक पत्नी को पति आपंत गृहत करा करे सत्संग के लिए कथा के लिए ले आए जंगल में। और ऐसे वैराग्य की, ऐसे अनमोल ग्रस्त की कथा जिसमें एक गुरु की क्या महत्ता है, एक भागवत की, सत्संग की क्या महत्ता है, क्या आवश्यकता है, इन सारी बातों पर प्रकाश नारद जी डालते हैं और महाभारत की, भागवत की ही कथा सुनाते हैं। कहा मैत्री, महाभारत का जब युद्ध हो गया उसके पश्चात अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के घर में परीक्षित नाम के पुत्र का जन्म हुआ और परीक्षित के जन्म के समय दुनिया भर के पंडित आचार्य आए, उन्होंने नामकरण संस्कार किया। परीक्षित की जितनी भी उनके गुण है, उनका प्रभाव है, उनका स्वरूप है, जो लोग चेहरा पढ़ के बता सकते हैं भविष्य, ऐसे महान आचार्यों का आगमन हुआ। पांडवों ने बच्चे का भविष्य पूछा, स्वभाव से ही छोटे बच्चे को देखकर उसके बारे में कौन ये कहेगा कि ये खराब निकलेगा, सारे लोग, सारी दुनिया, सारा समाज, मोहल्ला, पड़ोसी, सभी लोग कहते हैं बच्चा अच्छा है, बच्चा अच्छा है, नहीं अच्छा है फिर भी कहते हैं, मां को बुरा लग जाएगा, नहीं तो घर वालों को बुरा लग जाएगा, बहुत अच्छा है। परीक्षित के बारे में सबने यही कहा, बहुत अच्छा है। पर जो उनके पांडवों के जो मुख्य आचार्य हैं, जो घर के जो पुरोहित हैं, उन्होंने कहा तदमेद मूलम राजान पुण्यम। महाराज, अभिमन्यु का पुत्र बहुत भाग्यशाली है, बहुत बड़ी संपत्ति का स्वामी बनेगा और बहुत अल्प आयु में राजा बनेगा और इस दुनिया में सबसे बड़ी भक्ति को प्राप्त करेगा। जगत में, पांडवों में, परीक्षित का, धर्मात्माओं में, भक्तों में, श्रोताओं में एक नंबर उच्च श्रेणी के श्रोता कहलाएंगे महाराज परीक्षित, इतना प्रभावशाली जीवन है इनका। पर एक बुरी घटना है और वो ऐसी घटना है कि इनका जो मरण है वो अच्छा नहीं होगा। बिशंत दंतो प्रियान माघम। महाराज परीक्षित का मरण जो है विष से होगा, सर्प के काटने से। और जैसे ही पांडवों ने, धर्मराज युधिष्ठिर ने सर्प के दशने की बात पंडित के मुंह से सुनी, पांचों के पांचों पांडव नीले पड़ गए, पीले पड़ गए, निराश हो गए, थक गए, मायूस हो गए और अश्रु बहने लगे उनके। क्यों? विशंक कलंकम नवेद मूलम सप्तो वर्षान जन्म सदानम। पांडव जानते थे सांप के डसने से अगर कुल में मृत्यु हो जाए किसी की तो पूरा का पूरा कुल मुक्तहीन हो जाता है, भक्तहीन हो जाता है, फलहीन हो जाता है, पुण्य विनाश की ओर चले जाते हैं। सांप डसने से मृत्यु हो जाए तो पुण्य खत्म हो जाते हैं पूरे खानदान के। सप्त वर्षत्वया जन्मः, और आगे सात जन्मों तक फिर पुण्य नहीं लगते। और घर में कोई अच्छी संतान का फिर जन्म सात पीढ़ी तक नहीं होता है, सब विष धर पैदा होते हैं, कलंकी, क्रोधी, हिंसक, सांप के जैसे डसने वाले, जो बोलते बोलते ऐसा बोल दें कि आग लग जाए पूरी में, फिल्में, झगड़े हो जाएं, ऐसे दुर्जनों का जन्म होता है। कब? जब घर में कोई सांप के डसने से मर जाए तब। अब तो पांडवों को चिंता लग गई, हमारा इतना पवित्र साम्राज्य, हमारा इतना पवित्र पुण्य, हमारा इतना पवित्र परिवार, और ये क्या। अब तो रोने लगे पांडव और पंडितों से पूछने लगे कोई मार्ग दिखाओ। आचार्यों ने संतोष दिया, तद लक्ष्य मूलम ये को नवहितम। महाराज, चिंता की कोई बात नहीं है, अंतिम जन्म है राजा का, इस जन्म के बाद में जन्म ही नहीं है परीक्षित का। जन्म के बाद अगर जन्म ना हो
तो चाहे जितनी भी दुख भगवान दे दे, हम सहज स्वीकार कर लें, इससे ज्यादा मौका कभी नहीं मिलेगा दुख भोगने का। और जन्म नहीं हो पर अगर हम दुख भोग रहे हैं और जन्म होने की भी तैयारी है, तो दोनों चीज नहीं प्रभु दे, एक एक, या तो जन्म देता है तो धीरे धीरे फल देवे, सामर्थ्य देवे भोगने का, सहन करने का। अगर आगे जन्म नहीं है तो चाहे जितनी तकलीफ दे दे, सहन नहीं हो तो भी चले, आदमी चाहे जितना दुखी रहे पर जन्म नहीं है आगे, तो आगे उसका भविष्य उत्तम हो गया, मुक्त जीवन हो गया। महाराज सर्प के डसने से मृत्यु तो होगी, पर महाराज परीक्षित का अब आगे जन्म नहीं है, इसीलिए उन्हें सर्प के काटने से उनके साथ जन्म नहीं बिगड़ेंगे और आपके कुल को वंश को कोई घात नहीं पहुंचेगा, क्योंकि महाराज का जन्म नहीं होगा तो उनके ऊपर ये पहलू, ये प्रवचन या ये भविष्यवाणी सार्थक नहीं होती है। मृत्यु के समय भगवान का दर्शन होगा महाराज परीक्षित को, इतनी अच्छी भविष्यवाणी आचार्यों ने सुनाई। और उसके बाद पांडवों के यहां परीक्षित का लालन पालन होने लगा, और जब परीक्षित महाराज का लालन पालन होने लगा है तो जल्दी से जल्दी जो भविष्यवाणी की थी उसी हिसाब से परीक्षित महाराज बड़े हो रहे हैं। और जैसे बड़े हुए परीक्षित महाराज युवा हुए, युवा का मतलब है 16 वर्ष तक लगभग हो गए, किशोर अवस्था को पूरा कर गए। जैसे ही उन्होंने जवानी में पग रखा उसी समय नारद जी ने फिर कहा मैत्री को, यह मेरी आंखों की कथा है, मेरे जीवन की कथा है, मैं पहुंच गया पांडवों के यहां संदेश लेकर। इसलिए नंदुरबार वालों, पांडवों के यहां पर नारद आए थे और मैं तुम्हारे पास आ गया हूं वही संदेश लेकर के। कौन सा संदेश? जाएगा जब यहां से कुछ भी नकाश होगा, दो गज कफन का टुकड़ा हलवास होगा, कुछ अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कुछ अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, भाषा अलग थी, समझाने का तरीका अलग था और वही मेरा अलग है तरीका, बिल्कुल यही शब्दों का वाचन किया है। प्रबंध मूलम तदजान भूत, ए धर्मराज क्यों रो रहे हो? गांधारी और धृतराष्ट्र विदुर जी के साथ वन में चले गए हैं इसलिए रो रहे हो, बूढ़े घर छोड़कर चले गए, अब विनाश होगा ये दुख हो रहा है। देखो गांधारी और धृतराष्ट्र का उद्धार करने विदुर आए थे और आज मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए आया हूं। पांडवों उठाओ बिस्तर और इस राज्य का, इस महल का, इस संपत्ति का मोह छोड़ो और जाओ हिमालय, कुछ अच्छा काम कर ले। Come on.
वजह से आप क्या क्या बन गए, कोई प्रिंसिपल बन गया, कोई टीचर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई राष्ट्रपति बन गया, और इस शरीर की वजह से कोई दादाजी कोई पापाजी बन गया, कोई जीजाजी कोई सालाजी बन गया। जब इस शरीर की वजह से इतना सब कुछ बन सकते हो तो एक अच्छा इंसान भी। ये तन तेरा तरवर है, नेकी एक क्षीर सागर है, ये तन तेरा तरवर है, नेकी एक क्षीर सागर है, ये तन तेरा तरवर है, नेकी एक क्षीर सागर है, ये तन तेरा तरवर है, नेकी एक क्षीर सागर है, ये तन तेरा तरवर है, नेकी एक क्षीर सागर है, ये तन तेरा तरवर है। कितनी बढ़िया बात कही। सरोवर माने बगीचा। ये मानव का जो शरीर है ये एक बगीचा है, भगवान ने जो बनाया है, और अच्छे सत्कर्मों का अगर पानी इसमें लगता रहे मनुष्य जीवन में तो इसके क्या मिलेगा फल। कोई अच्छे फूल खिला ले दुनिया से जाने वाले, आगे वालों के लिए थोड़ी कथा हो रही है। रेल चाहे जितनी भी लंबी हो पर प्लेटफॉर्म एक साथ ही आता है। पीछे वालों, वैसे तो 60 के ऊपर वाले ही ज्यादा पीछे।
आज क्या अच्छा काम किया हमने तुमने? मैंने तो ये अच्छा काम किया, भोजन कम किया है। आपने क्या अच्छा काम किया? नाचे हैं। सबसे अच्छा काम आपने यही किया है कि आप कथा में, और उसके लिए ही नारद मुनि ने मैत्री ऋषि को ये दिया ज्ञान। नारद जी ने कहा, दो ही प्रकार का उपदेश विद्वान करते हैं, जगवीता या तो अपवीता। नारद जी इस समय अपवीती कथा सुना रहे महाराज, और उसे कहते हैं अनुभव कथा, जीवन में आई हुई घटनाएं जो सच होती हैं उन्हें कहना ही प्रमाण होता है। जो सुनी घटनाएं हैं वो अप्रमाण होता है। नारद जी ने प्रमाण दिया कि मैंने पांचों पांडवों को जाकर उपदेश दिया और कहा कि अब इस अवस्था में मोह त्यागो, जिस संपत्ति के लिए तुमने धर्म युद्ध जीता उसमें केवल यह नहीं कि तुमने धर्म युद्ध जीत लिया है तो अपराध नहीं किया था। अपराध तो तुम कर रहे हो। क्या कर रहे हैं अपराध? अपने जीवन को अनियमित जी रहे हो, अमर्यादित जी रहे हो। जिस घर में नाती पोते हो गए उस घर के बूढ़ों को घर में रहने का अधिकार नहीं है। अब तो प्रॉब्लम आ जाएगी घर में, सभी लोग वैसे ही बैठे हैं, फिर कहां जाएंगे? उसके लिए तो उधर गांव नहीं बसाए भगवान ने। कहां गांव नहीं बसाए बताओ? धरती पे, ऋषिकेश के आगे। ऋषिकेश के आगे गांव क्यों नहीं बसाए? जैसे हमारे तुम्हारे यहां शहर है, गांव है, वहां तो नहीं है। वो जगह उसी के लिए है, वानप्रस्थ के लिए। बन प्रस्थ, बन जाइए और अध्ययन करो अपने लाइफ का, जीवन का। मैत्री ऋषि अपनी पत्नी को लेकर वन में आ गए। सुंदर पत्नी, विद्वान पत्नी, सजी धजी पत्नी। जिसे मोह था संपत्ति का उसे मोह दे दिया संपत्ति, और जिसे मुक्ति और पति का मोह है वो भागवत में आ गई, और जिसे सच्चा पति मिल जाएगा। और जो पति से मोह करते हैं उन्हें पति मिल ही जाता है, और पति वही है जो पतित को पालन करे। मैं इसीलिए है क्योंकि वो पथ पर पतित होने वाली स्त्री का पालन कर रहे हैं, इसलिए उन्हें पति का दर्जा दिया गया है। सात फेरे लेके अग्नि के पति नहीं हुआ जाता है। कभी भी अपने आप को ऐसे गवान में, घमंड में मत ले आना आप लोग कि हमने सात फेरे लिए, मैं तेरा पति। तपतितान भूत पतित्वां, चार प्रहर में कभी भी अप्रोक्ष या परोक्ष पत्नी को दुख न दे वो पति, और कभी भी पत्नी को तृष्णा बाधी न होने दे वो पति। बिहत भागवतम तथा पति न योगम, भक्ति ज्ञान और वैराग्य से जोड़ दे वो पति, जो पतन रोक दे वो पति। ऐसे बन जाएंगे आप तो हम आपको हमारी तरफ से पदवी देंगे परमेश्वर की। आप पति बन जाओ परमेश्वर हम कह देंगे आपको, फिर क्या हो जाएंगे आप? पति परमेश्वर। पति परमेश्वर हो जाएंगे। मोटरसाइकिल पे चल रहा है, बीबी ने हाथ कंधे पे, और बार बार मुंह मोड़ मोड़ के थूक रहा है तमाकू को। साड़ी पे आगे पिचकारी, काय का पति बताओ? खुद ही पतन में है तो पत्नी का कहां रक्षा करेगा? कैंसर की तरफ भाग रहा है और पति कैसे रक्षा करेगा तू भाई? इसीलिए भागवत सुनना जरूरी है तुमको। क्यों? जैसे थे वैसे कोई बात नहीं है, जो हो गया सो हो गया, जो अब बचा है उसे बिगड़ने मत। शेष हमारी बहनों ने बहुत अकल से घर चलाए हुए हैं। आप भी ज्ञानी हैं, आप देखो, आप फलों की दुकान पे जाओ, सब्जियों की दुकान पे जाओ, आपको जहां लगे वहां जाइए,
कई सब्जी और फलों की दुकान लगाने वाले लोग कभी कभी फलों में थोड़े बहुत दाग आ जाते हैं तो पूरे फल को नहीं फेंकते, वो काट काट के फेंकते हैं। जितना अच्छा है उसे दुकान पर सजा के रखते हैं। और वो सिद्धांत है, वो उपदेश है, जीवन जितना गल रहा है, सड़ रहा है, बिगड़ रहा है, उसे कट कर दो, जो शेष है उस पर संतोष कर लो और आरूढ़ हो जाओ, चढ़ जाओ उसके ऊपर, अच्छे जीवन का भोग कर लो। बदलने के लिए तारीख फिक्स नहीं है, बुढ़ापे तक कभी भी बदल सकते हैं। कभी भी ऐसे परेशान मत रहो, अब सब जीवन चला गया, अब बदल के क्या करेंगे। जब भी बदल जाओगे तभी राम मिल सकता है। राम को मिलने के लिए साल, 10 साल 20 साल नहीं लगते। तुम्हारे पास कितनी पूंजी है उस हिसाब से राम मिलता है। कई लोगों को जन्म भर नहीं मिलता, कई जन्म नहीं मिलता, और कई लोगों को घर से निकलते से ही राम मिल जाता है। कारण कारण है उनके पिछले जन्मों का पुण्य। हम इस जन्म में इतनी भक्ति कर रहे राम की, पर पिछले जन्म का बिल्कुल नहीं था ना, इसलिए अभी स्टोर हो रहा है। और कई लोग इस जन्म में बिल्कुल भक्ति नहीं करते, घर से निकले तो राम, घर से निकले साधु, जब घर से निकलते तभी कोई अच्छा दर्शन हो जाता है उनको। क्यों क्यों हो जाता है ये सब तेरी पिछली करनी, तुझको ही है प्यारे हर सब तेरा है, अच्छा भी और बुरा भी, कौन भोगेगा। मलाई मलाई तू खाएगा तो मलाई में आई हुई मक्खी को कौन खाएगा, बोलिए ना। हलवाई ने मक्खी मेरे सामने निकाली रबड़ी में से, ग्राहक को नहीं दिखी, और मक्खी को जो भी प्रसाद देना था रबड़ी में दे के चली गई। हलवाई ने फेंक दिया उसे, दिन भर फेंकता है वो कढ़ाई में से। और ये महीना तो बड़े खतरनाक है, जहां ठंडक रहती है मक्खियों का ढेर रहता है वहां, और सबसे ज्यादा ठंडक हलवाई की दुकान पे रहती है भाई। गर्मियों में बर्फ लगा के रखता है इधर उधर उधर उधर, तो मक्खियां भी जो है पूरे नंदुरबार की वहीं परिक्रमा देती हैं। तो आप समझ लो, कल्पना कर लो, मेरे कहने का मतलब है कि अच्छा और बुरा दोनों हमें भोगना है, चाहे पंडे कर लो, चाहे पुजारी कर लो, चाहे यहां चले जाओ चाहे वहां चले जाओ, पूजा अनुष्ठान जो भी करना है कर लो, पर कर्मों का जो भाव है वेद भागवत सब अनुसार। इसीलिए नारद जी ने आकर पांडवों के कान पकड़ के मरोड़ दिए, क्यों रो रहे हो मूर्खो। जो प्राणी वैराग्य नहीं लेता बुढ़ापे में उसे रो पड़ता है बुढ़ापे में, बेटा ऐसा कह रहा है, बहू ऐसा कह रही है, वो ऐसा कह रहा है, ये ऐसा कर रहा है, क्यों भाई। बेटा कुछ कहे बहू कुछ कहे, उससे पहले हिमालय की यात्रा पर चले जा। जो बहू तुझे रोटी देने में आनाकानी करती है और जो बेटा तेरी एक नहीं सुनता, तू हिमालय चले जा साल भर के लिए, 12 महीने 2018 में लौट के आ जाना। अगर यही बेटा तेरा नंदुरबार में सबसे बड़े बैंड को करके तेरा स्वागत ना करे तो तू फिर इंद्रदेव की कथा कभी मत सुनना मान। जो बेटा तेरी सुनता नहीं है, जो बहू तुझे खिलाती नहीं है, वो नंदुरबार के सबसे बड़े बैंड को ले जाएंगे वहां दुलिया चौपली पे, और वहां से लेके आएंगे तुम्हें ढम 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 नाचते कूदते। ये इतना यश तो तुम्हें एक साल में मिलेगा, और जो कहीं तुम मेरी तरह चले गए 10-20 साल के लिए, तो फिर तो वहीं से रंगोली डाल के लाएंगे रोड पे। दादाजी का पैर जहां गिरेगा वहां पहले गुलाब का फूल गिरेगा, फिर दादाजी का पैर, यानी कि फूलों पर चल के आएंगे दादाजी। और ये कोई चमत्कार नहीं है, ये वैराग्य का परिणाम है। जितनी ज्यादा वैराग्य धारण कर लोगे उतना सम्मान समाज तुम्हें प्रदान कर देगा। माने हाँ, ये तो भोग की वजह से अपमान हो रहा है, कहीं भी कर लो, आप पति पत्नी ज्यादा टच में रह लो, घूगू चालू हो जाती है, बेटा बाप चाहे ज्यादा साथ में रह लो
बुराइयां दोष सब समझ में आ जाते हैं, पर भला तुम्हारा भाग्य है कि तुम्हारी औलादें तुमसे थोड़ी थोड़ी दूर रहती है, समझो, नौकरी फोकरी करने चली जाती हैं, इसीलिए बोलना कभी चालना। इसलिए अधिक संगति केवल संसार में परमात्मा की ही प्रिय बताई है, ज्यादा संगति निरंतर अगर साथ करने पर भी केवल पॉजिटिव ही रिजल्ट आता है तो वो केवल है परमार्थ, प्रभु का द्वार, प्रभु की संगति, सत्संग। यहां जितनी साल चाहो जितनी साल आप आइए पांडाल में, यहां के रिजल्ट केवल एक ही प्रकार के आएंगे, अच्छे अच्छे और अच्छे। पत्नी के साथ में ऐसे अच्छे अच्छे नहीं आएंगे, पति के साथ में भी अच्छे अच्छे हमेशा हमेशा अच्छे अच्छे रिजल्ट नहीं आते। आज अच्छा है, कल थोड़ा खट्टा मीठा हो जाता है, परसों चटपटा, और कभी कभी तो बिल्कुल सोलापरी हो जाता है भाई साहब। हाँ, बहुत खतरनाक समय आते हैं जीवन में, ग्रस्त में। इसीलिए नारद जी ने कहा, ग्रस्त भोगिए कितने साल, कितने साल भोगिए, 5000 वर्ष पहले नारद जी ने कहा था, 25 वर्ष, 5000 वर्ष पहले जब एक व्यक्ति की औसत आयु 100 साल थी तो नारद जी ने 25 साल कहा ग्रस्त में रहो, और 25 साल के बाद में ग्रस्त का त्याग कीजिए। पति और पत्नी दोनों नहीं रहते 25 साल के बाद में, पति पत्नी नहीं रहते वो, आप जबरदस्ती के पति पत्नी है ये, और आप विश्वास नहीं कर रहे तो रामायण पढ़ लो। अगर राजा दशरथ 25 वर्ष पत्नियों के साथ रहते और वन चले जाते तो राम को वन जाना नहीं पड़ता महाराज। बूढ़ा बाप बीवियों के साथ ज्यादा रहता है इसलिए राम को यह हाल हुआ। आपके साथ यही प्रॉब्लम आई है, कोई किसी को बताता नहीं, झेल रहे और कह रहे सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। क्या क्या अच्छा चल रहा है? केवल पैसे की इनकम के अलावा और कुछ भी इनकम अच्छी चलती नहीं है। एक चीज तो बड़ी है तुम्हारी, पैसा, और उसकी वृद्धि के लिए ही तुम इतर बितर हो गए, सब पूरा खानदान बटा पड़ा पैसे के लिए, कहां कहां न जाने खो गए सब लोग। पांचों पांडव तो साथ में ही हैं, पर उनकी नियत में खोट आ गया। नारद जी कह रहे थे क्या खोट आ गया है कि अब वो समाज की रक्षा नहीं कर सकते, घोड़े पे नहीं चल सकते, हाथी नहीं चला सकते, घोड़े की लगाम नहीं कस सकते, चढ़ के घोड़े पे उतर नहीं सकते, इतने वृद्ध हो गए फिर भी राजगद्दी छोड़ने का लालच अभी नहीं जा रहा है। क्या आ नहीं रहा, लाल लालसा बढ़ती जा रही है उनकी, कैसी गद्दी की लालसा पांडवों की। नारद जी ने कहा जिस गद्दी के लिए दुर्योधन ने ऐसा किया उसी गद्दी के लिए गांधारी और धृतराष्ट्र ने तुम्हारे टूके खाए, पर विदुर जी ने आकर उनका उद्धार कर दिया, मैं तुम्हारा उद्धार करने आया हूं। धृतराष्ट्र और गांधारी गंगा के तट पर मृत्यु को प्राप्त हो गए और विदुर जी की शक्ति से तप से उन्हें भगवान का धाम मिल गया, वैकुंठ लोक में चले गए, और अब मैं तुम्हें वैकुंठ भेजने की उपदेश लेकर आया हूं, अन्यथा तुम भी दुर्योधन जैसे ही हो जाओगे। लंबे समय तक शासन नहीं चाहिए हमारा। अटल बिहारी वाजपेयी का आज इतना सम्मान है और उसका कारण क्या है? उसका कारण है स्वेच्छा अनुसार रिटायरमेंट। जो व्यक्ति अपने आप ही रिटायर हो जाए खुद से वॉलंटियर, उसका सम्मान नहीं बिगड़ता फिर, और जिसमें धक्के पड़ते ही निकल निकल, फिर उसका घर में भी सम्मान नहीं और दुकान पे भी ना 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 ना, ना। इसीलिए सेवा से संसार से निवृत्ति वॉलंटियर खुद से बहुत हो गया। ये कभी कभी ऐसा सोचो तो सही, देखो मैंने कोई लिख के नहीं ले लिया है और कोई लिख के नहीं ले रहा है, तो भागवत के प्रमाण के अनुसार मैं आपसे सिद्ध पुरुष ये कहना चाहता हूं, एकदम क्या कहना चाहता हूं, केवल 2-3 साल के लिए अपने परिवार से अलग हो जाइए और पता मत बताइए तुम कहां हो। ये ना तड़पने लग जाए तुम्हारे लिए तो फिर आप मुझे कह देना, जितने भी थाने महाराष्ट्र में आते ना सब में रिपोर्ट आएगी तुम्हारे नाम की।
दीवार पे फोटो चिपका देंगे तुम्हारे बेटे, पापा खो गया हमारा, पापा खो गया है। जिस पापा को चाय नहीं मिलती समय पर, बिना बताए गायब हो जाइए, फिर देखो कैसे ढूंढते हैं सब। ये तो मैं खाली चमत्कार दे रहा हूं, फार्मूला दे रहा हूं तुम्हारे सम्मान को बढ़ाने का, और उसमें थोड़ा गंगा का किनारा मिल जाए तो क्या कहने, सोने पे सुगंध हो जाएगी, फिर सोने पे सुहागा, अमृत हो जाएगी। तो कोशिश करिए कभी ऐसे ही गुरुजी की बात मान के एक आध बार जो है सब्जी खरीदने जाओ और वहीं से सीधे लापता हो जाओ। बीवी देखती रहे कि आया नहीं गोविंद, आया नहीं गोविंद, और लापता हो जाए लापता है, और मिले ही ना, फिर मिले ही ना, कहां गए कहां गए, मिले ही ना। और दूसरी बार महाराज आएंगे इंद्रदेव जी कथा करने नंदुरबार में, तब गोविंद आ जावे फिर लाल पीले कपड़े में, फिर देखो तुम ऐसा लगेगा जैसे हरिद्वार से पूरे महामंडलेश्वर आए, जय हो जय हो जय हो। इसीलिए सम्मान जो है निर्माण किया जा सकता है, पर कैसे, लाभान जीवन मरण ये सब इस विधात, ये भगवान के हाथ में है ना, इसीलिए भगवान के पास जाइए और वहां से सम्मान की चादर ओढ़ के आइए। गृहस्थ की चादर ज्यादा दिन सुख नहीं देती है, गृहस्थ में कौन सुखी, एक भी देखा नहीं आज तक हमने, करोड़ों में देख लिए गृहस्थ, करोड़ों में घर देख लिए, सो के जग के खा के पी के देख लिया हमने, पर हमने किसी को इस तरह खुश नहीं देखा ग्रस्त से। कहीं ना कहीं उसके अंदर प्रॉब्लम है, तकलीफ है उसके अंदर। अगर दुनिया में कहीं भी खुशी है तो उस खुशी को केवल एक ही जगह पर बताया है सूरदास जी ने, कहां पर है वो खुशी, हरि चरण में पायो श्रीमन, हरि चरण कहे सुख राजा कुम्हारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र कुम्हारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा पावे, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु कुम्हारी। सब दूसरे की घटिया, दूसरे की दुकान में देख रहे दुख, कहीं नहीं मिला। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई मजे तो विष्णु के हैं, देखो कितनी सुंदर नारी मिली है, दिन भर पैर दबाती रहे वे, सब दुनिया भोग लगावे और हम मरे जा रहे बूढ़ी औरत के साथ में, दूसरे के घर में सुख मना, गरीबों को दिख रहा है अमीर बड़े सुखी हैं, कैसी गाड़ी में घूमे, कितना बढ़िया घर है, पर अमीर के घर में जाके देख लो रात में गोली से नींद नहीं आ रही है, गोली भी फेल हो गई, 6 महीने गोली ने साथ दिया, अब गोली से भी नींद नहीं है, अब अंतिम समय समाप्त हो गया, क्यों, निद्रा का अंतिम ही गोली उपाय है और वो भी फैल जा रही है, कौन सुखी, हरि चरण को देख लो, राजा के घर में ब्याह हुआ मीरा का, पर मीरा को एक क्षण भी सुख नहीं मिला पति के साथ में। महाराज इतने बड़े छत्रपति, इतने बड़े वीर राजा महाराणा, राजकुमारी को सुख नहीं मिला पति के साथ में, कहां मिला सुख, के लिए अपनी तरफ देखो जरा,
अभी तो आप भगवान के चरणों में नहीं आए हैं, भगवान की कथा में आए, तो भी देखो कितना सुख बढ़ गया है। ऐसे हिल रही है कमर, ऐसे हिल रही है। अगर घर पे ऐसे पांच मिनट हिले तो एम्बुलेंस आ जाएगी 108 नंबर की, बोलेंगे थाने ले चलो, थाने ले चलो, बड़े बड़े पागल थाने में जाना पड़ता। अपने आप देख लो। सुख हरि चरण समझ में आ जाए, इसलिए नारद जी ने पांडवों को कह दिया जिस राजगद्दी के भरोसे हो ना वो सुख नहीं देगी तुमको, फिर कोई राजा आके युद्ध करेगा तुमसे, और तुम्हारा जो बालक है ना वो जवान हो गया है, वही तुम्हारे ऊपर उंगली उठाएगा। बेटे और बेटियां जब जवान हो जाती हैं तो माता पिता के ऊपर उंगली उठाते हैं और कहते तुम कौन से दूध के दुल्हे हो जो हमें टोक रहे हो। बच्चे बाप को कह रहे थे भाई साहब, इसीलिए बेटा जवान हो जाए तो घर छोड़ दो उसके लिए, मरो और तुम निकलो सीधे। क्यों? घर जो है जवानों के लिए ठीक है, भोगों के लिए ठीक है, जिनमें वैराग्य आ गया है, सामर्थ्य नहीं रहा है, उनके लिए जंगल। जंगल का मतलब ये नहीं है कि तुम पेड़ पौधों में जाके भूखे प्यासे मरो, जंगल का मतलब होता है आपके जो खेत हैं, खलिहान हैं, जहां सब्जियां बोते हो आप, चावल बोते हो, जहां धान बोते हो, जहां गेहूं लगाते हो, उसी को ही जंगल कहते हैं। आपके ही खेत में जाना है आपको खाली, किसी के घर में नहीं। हिमालय मत जाओ, हिमालय तुम्हारे पास आ जाएगा। कैसे? जैसे शक्कर के पास में चींटियां